Hello students, myself Gauti Falguni. In your last video, we had completed your sixth lesson, which is our food, right? Now, today we are going to start your seventh lesson, which is water. So, let's start. Here it is your seventh lesson, water. So, water is a one of our basic need, okay? तो हमारी जो basic need है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो है ही, उसके अलावा वाटर भी है, ब्रीथिंग है, ये सारी हमारी बेसिक नीड्स है, फूड्स है जो हम पढ़ चुके, राइट? फूड्स हमने सिक्स लेसन में पढ़ा, अभी वाटर, वाटर के बिना हम रह सकते नहीं रह सकते, राइट? तो ये हमारी एक बेसिक नीड है. तो अभी हम कपड़े, सॉरी, वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको वार्म अप के लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है कि राइट द यूज़ ऑफ वाटर बिलो ईच पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है और किसके लिए यूज़ हो रहा है वाटर का, वो हमें लिखना है. ये ब्लैंक्स ख़त्म करके फिर आपको पूरा सेंटेंस बनाना है, फिर आपको पता चलेगा कि हम वाटर का कहाँ पे यूज़ करते हैं. तो पहले तो है कपड़े धोने में, तो शी इज़ वॉचिंग क्लोथिस, तो वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ वॉशिंग. वॉशिंग मतलब कपड़े धोना, डब्ल्यू ए एस आई एन जी, एस एच आई एन जी, राइट? तो वॉशिंग क्लोथिस, तो कपड़े धोने में हम एक तो पानी का यूज़ करते हैं, फिर है वो क्या कर रही है, पोजा लगा रही है, तो पोजे को हम क्या बोलते हैं, मोपिंग, राइट? तो शी इज़ मोपिंग फ्लोर, तो फ्लोर पे क्या कर रही है, पोजा लगा रही है. तो मोपिंग का स्पेलिंग क्या होगा, एम ओ डबल पी आई एन जी, मोपिंग यानी कि पोजा लगाना. फिर नेक्स्ट है, तो एक पोजा लगाने में हम वाटर का यूज़ करते हैं, फिर है वो क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, राइट? खाना बना रही है ना, तो शी इज़ कुकिंग, तो कुकिंग में हम कहते हैं, कुकिंग का स्पेलिंग क्या होगा, शी डबल ओ के आई एन जी, कुकिंग यानी कि खाना बनाना. फिर नेक्स्ट है क्लीनिंग द अनटेंसिल्स, तो शी इज़ क्लीनिंग अनटेंसिल्स, तो अनटेंसिल्स मीन्स यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन धोना, तो बर्तन धोने में हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, तो क्लीनिंग, क्लीनिंग यानी कि साफ़ करने में, तो सी एल ई ए एन आई एन जी, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, यू टी ई एन सी एस आई एल एस, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन. ओके, तो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक तो कपड़े धोने में, फिर पोजा लगाने में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, ये सारी जगह पे हम वाटर का यूज़ करते हैं. सोचो अगर पानी होता ही नहीं तो क्या होता हमारा, क्या जीवन शक्य होता है यहाँ पे, धरती पे लाइफ होती नहीं होती, राइट? तो बिना वाटर हम कुछ कर सकते नहीं है. फिर है वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं, तो वो दी हुई है. तो फर्स्ट है ड्रिंकिंग, तो पानी पीने के लिए, पहला तो किसके लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए, तो ड्रिंकिंग डी आर आई एन के आई एन जी. फिर है ब्रशिंग टीथ, तो ब्रश करने के लिए, राइट? फिर है वॉशिंग हैंड्स, तो हाथ धोने के लिए, राइट? हम हाथ धोने के लिए पानी का यूज़ करते हैं. फिर है वाटरिंग प्लांट्स, तो प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए, मतलब प्लांट्स को पानी पिलाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं. ओके, सो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो हम पानी के बिना रह नहीं सकते, ना हम रह सकते हैं ना ही प्लांट्स रह सकते हैं, है ना? पानी के बिना रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकता. नाउ प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए. तो प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए बढ़ने के लिए. अगर हम पानी नहीं डालेंगे, जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी नहीं डालेंगे, तो क्या वो बढ़ पाएंगे, नहीं, सूख जाएंगे ना, है ना? जैसे हमें ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, वैसे वाटर को भी ग्रो, सॉरी, प्लांट को भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए. फिर है एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, तो जो एनिमल्स होते हैं उनको किसके लिए पानी चाहिए, तो पीने के लिए और नहाने के लिए. हम एनिमल्स को पानी पिलाते हैं ना, और नहलाते भी है पानी से, तो एनिमल्स को किस किस के लिए पानी चाहिए, ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स हमें पानी कहाँ से मिलता है, हम पानी तो है, अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में पानी तो है, पर ये
आपको पता है ये पानी कहाँ से मिलता है? तो उसके बहुत सारे सोर्सेस है, सोर्सेस यानी कि स्रोत, यानी कि कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हमारा मेन स्रोत कौन सा है, मेन सोर्सेस कौन सा है पानी का? तो हमें मेन कहाँ से पानी मिलता है, तो सबको पता है रेन से, है ना। अभी रेनी सीजन चल रही है तो वहाँ से ही हमें पानी मिलता है। तो रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। तो हमारा मेन सोर्स कौन सा है वाटर का? रेन है। उसके अलावा हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है तो वो हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वाटर एंड राइट देयर करेक्ट नेम यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ से आपको पिक्चर दिया हुआ है, उसमें से आपको पानी का सोर्स कहाँ, कौन सा सोर्स है वो बताना है। और यहाँ से आपको उसको ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें से पिकअप करना है। ओके, सो ये सारे कौन से, ये सारे आपके सोर्सेस है कि पानी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो फर्स्ट हमारा सोर्स कौन सा है? रेन, है ना। ये रेन हो रहा है ना, तो रेन से हमें पानी मिलता है, तो RAIN, रेन। फिर है ये क्या है? रिवर, नदियों से पानी मिलता है, तो रिवर का स्पेलिंग क्या होगा? RIVER, रिवर। फिर है ये समंदर है, राइट, समंदर से भी हमें पानी मिलता है, तो क्या होगा? सी, SEAC, सी से हमें पानी मिलता है, समंदर यानी कि। फिर है लेक, लेक यानी कि छोटा सा तालाब होता है ना, छोटा तालाब, उससे हम क्या बोलते हैं? लेक, LAKE, लेक। तो लेक से भी हमें पानी मिलता है। फिर है ये पॉन्ड, मतलब बड़ा तालाब हो ना, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉन्ड। तो POND, पॉन्ड से भी हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। फिर है वेल, वेल यानी कि कुआ, कुआ होता है ना हमारे गांव में, या फिर हमें हाँ गांव में कुआ होता है, तो गांव में से जो कुआ होता है उसमें से भी हमें पानी मिल रहा है, तो वेल, उसे क्या बोलेंगे? वेल, WWELL। फिर है हैंडपम्प, तो हैंडपम्प से आपने देखा होगा कि कई बार पानी हैंडपम्प से भी हम निकालते हैं ज़मीन में से, है ना, हैंडपम्प को ऊपर नीचे करके फिर पानी निकलता है, राइट। तो ये हैंडपम्प से भी हमें पानी मिलता है, तो उसका स्पेलिंग क्या होगा? HAND, हैंड, एंड PUMP, पम्प, यहाँ पे दिया हुआ है ना, हैंडपम्प। फिर है स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी झरना, जो झरना बहता है ना, अभी रेनी सीजन है, तो अभी आपको आपको जाओ आप यहाँ पे आपके नज़दीक, यहाँ हमारे बनासकांठा में देखो तो पानियारी है, फिर है केदारनाथ है, वहाँ पे यहाँ पे स्ट्रीम देखने को मिलेगा, तो उस झरने में से भी हमें पानी मिलता है, राइट। तो स्ट्रीम एक हमारा दूसरा सोर्सेस कौन सा आएगा? स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। ओके, सो ये सारे क्या है? वाटर ऑफ सोर्सेस है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो रेन से, रिवर से, सी से, लेक से, पॉन्ड से, वेल से, हैंडपम्प से और स्ट्रीम से। ओके, नाउ वाटर रीचेस अवर होम विथ द हेल्प ऑफ पाइप्स, टैंक्स एंड टैप्स। ओके, तो अभी ये पानी तो है, पर ये पानी हमारे घर पर कैसे आता है? तो किससे आता है? पाइप्स, पाइप जुड़ी हुई होती है ना, जो कुएं से डायरेक्ट या तालाब से या रिवर से जुड़ी हुई पाइप होती है वो हमारे घर तक आती है, और फिर टैंक होते हैं और टैप्स, टैप्स यानी कि नल होते हैं, फिर नल में से हमारे यहाँ पानी आता है, राइट। तो पानी कहाँ से आता है? विथ द हेल्प ऑफ पाइप्स, टैंक्स एंड टैप्स से आता है। फिर है वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, वी शुड नॉट वेस्ट इट और डर्ट इट। ओके, तो हमारे लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, हम अगर वाटर ना मिले तो हम क्या करें, मर जाएंगे ना, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड हमें इसे डर्टी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ओके, और कहीं पे आप वेस्ट होता दिख रहे हो, पानी दिख रहा हो आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको नल खुला मिले तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत ही उसे बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे वेस्ट करना नहीं चाहिए, राइट। नाउ वैल्यू वॉइस, वाटर इज प्रीशियस, वी मस्ट सेव वाटर। तो वाटर क्या है? प्रीशियस, प्रीशियस यानी वैल्यूबल है, मतलब कि कीमती है, तो हमें उसे बचाना चाहिए, सेव वाटर, है ना। अभी पानी बहुत कम है और हमारी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें पानी बचाना चाहिए, है ना। ऐसा बोला जाता है कि बाल्टी भर पानी हो ना पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से पीने लायक जो पानी है वो कितना है? एक चम्मच जितना पानी पीने लायक है, बाकी सारा पानी जो है वो पीने लायक नहीं है पूरे बाल्टी भर पानी में, ऐसा बोला जाता है। सो हमें
पानी को बहुत अच्छे से फूक फूक के यूज़ करना चाहिए, ओके, और उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स रिमेंबर करके दिया हुआ है कि आपको ये याद रखना है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो हम पानी के बिना रह नहीं सकते, कैन नॉट यानी कि सकना, कुछ नहीं कर सकना, तो लिव, और लिव यानी कि रहना, तो हम विदाउट मतलब बिना, तो पानी के बिना हम रह नहीं सकते। वी यूज़ वाटर फॉर अ डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो हम वाटर का यूज़ करते हैं किसके लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, तो हमारे अलावा और किसे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को। फिर वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और हमें ये पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, जैसे हमने पढ़ लिया रेन, रिवर, सी, लेक, फिर है पॉन्ड, वेल, हैंडपम्प, स्ट्रीम, ओके, ये डिफरेंट सोर्सेज से हमें पानी मिलता है। नाउ योर एक्सरसाइज, सो फर्स्ट वन है टिक द करेक्ट आंसर, ओके, तो जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक मार्क करना है राइट का। सो वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग और बोथ ऑफ दिस, तो हमें पानी किसके लिए चाहिए, पीने के लिए, नहाने के लिए या दोनों के लिए, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए चाहिए राइट, पानी पीने के लिए भी चाहिए और नहाने के लिए भी चाहिए, तो कहाँ पे आएगा, बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट है वी नीड डैश टू वॉश यूटेंसिल्स, तो यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, बर्तन धोने के लिए हमें क्या चाहिए, फायर, यानी फायर माने की आग, तो आग की ज़रूरत पड़ती है यूटेंसिल्स धोने के लिए, नहीं, एयर यानी कि हवा की ज़रूरत पड़ती है, नहीं, वाटर, हाँ तो पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो क्या आएगा, वाटर पे राइट टिक मार्क आएगा। फिर है वाटर रीचेस अवर होम विद द हेल्प ऑफ टैंक्स, पाइप्स एंड टैप्स और ऑल ऑफ दिस, ओके, तो वाटर हमारे घर पे कैसे पहुंचता है, टैंक्स से, पाइप्स एंड टैप्स से, कि ये दोनों से, तो हाँ टैंक से भी पहुंचता है और पाइप एंड टैप्स से भी पहुंचता है, तो क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर है इन अवर होम वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन बॉटल्स, स्पून्स और बैग्स, तो हम अपने घर पे जो पानी पीने का होता है वो किस में स्टोर करते हैं, तो बॉटल्स में, स्पून में, चम्मच में करते हैं, नहीं करते, बैग्स में करते हैं, नहीं करते, है ना, तो किस में करते हैं, बॉटल्स में, ओके। फिर ये आपको क्वेश्चन आंसर दिए वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम आपकी सी नंबर एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो इसमें सर्कल द करेक्ट पिक्चर, तो जो करेक्ट पिक्चर है उसके ऊपर सर्कल करना है, तो इसमें मतलब कि ये जो है इसमें पानी का वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ऐसे ही नहाना चाहिए, नहीं, फिर इसमें भी देखो आप पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, बाल्टी भर भर के नहा रहा है, ओके, तो इसमें भी वेस्ट हो रहा है, आपको सही ढंग से इस तरह से नहाना चाहिए फवारे के नीचे, ओके, तो इसके ऊपर सर्कल आएगा, ये सही आपकी सही मतलब की एक्टिविटी है नहाने के लिए, ओके। सो और आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है क्रिएटिव स्किल करके, मेक टू चार्ट शोइंग द फॉलोविंग्स, ओके, तो दो चार्ट बनाने हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, तो वाटर के जो डिफरेंट यूजेस होते हैं उसका एक चार्ट बनाना है, और वे टू सेव वाटर, और पानी बचाने के लिए आप क्या क्या करोगे उसका एक चार्ट बनाना है, ओके, तो आप घर पे चार्ट बनाते हो तो अच्छा है, नहीं बनाते हो तो कोई बात नहीं है, पर मेरे ख्याल से बनाओ तो अच्छा है, आप देखना यूट्यूब पे, आपको इसके लिए आप ये लिखोगे वे टू सेव वाटर, तो उसके लिए टू मेक अ चार्ट ऐसा लिखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे चार्ट मिलेंगे, तो आपको ये बनाना है। आप यहाँ होते तो हम एक्टिविटीज़ करवाते, पर घर पे हो तो आप, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बना सकते हो, ओके। नाउ वाटर इज़ प्रीशियस, थैंक यू फॉर टर्निंग मी ऑफ, ओके, तो ये आप मतलब कि जो नल चालू होता है तो आपको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। फिर लर्न गुड हैबिट्स ऑफ यूजिंग वाटर एंड से इन क्लास, ओके, तो ये मतलब कि आपको अच्छी आदतें, हैबिट्स यानी कि आदतें, यूजिंग वाटर, वाटर को यूज़ करने के लिए अच्छी आदतें है वो सीखनी चाहिए, और हमें क्लास में बोलना चाहिए, तो एक है यूज़ ऑफ बकेट एंड मग्स टू बाथ, तो बाथ के लिए हमें मग या बकेट का यूज़ करना चाहिए, ओके। फिर है यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू नीड, ओके, तो आपको जितना चाहिए पानी उतना ही आपको यूज़ करना चाहिए पानी को। फिर है ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर वाटर, तो आपको बॉइल्ड मतलब कि गर्म पानी और
फिल्टर उबला हुआ और फिल्टर पानी पीना चाहिए. स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ क्लीन यूटेंसिल्स, तो आप जो पानी पीते हो पीने का उसको अच्छे से बर्तन में आपको स्टोर करना चाहिए. फिर है कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड. ओके, तो जो पानी पीने का रखते हो उसको आपको हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, ढका हुआ. डू नॉट लेट वाटर रन विथ अ ब्रशिंग योर टीथ. ओके, जो जब आप टीथ ब्रश कर रहे हो तो आपको वाटर को रन नहीं होने देना चाहिए, मतलब कि बंद कर देना चाहिए नल को. जब भी आप मुंह धोने का यूज़ करते हो तभी आपको नल खोलना चाहिए. ओके, फिर है क्लोज द टैब आफ्टर यूज़. और जब भी आप पानी का यूज़ कर लेते हो तो अच्छे ढंग से आपको पूरी तरह से नल को क्लोज कर देना चाहिए. ओके, नाउ आपके जो क्वेश्चन आंसर है सो हम वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड वाटर. ओके, सो ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड वाटर. तो हमें वाटर किस लिए चाहिए, तो उसका आंसर होगा वी नीड वाटर टू ड्रिंक बाथ एंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो किसके लिए, एक तो ड्रिंक करने के लिए, फिर बात करने के लिए एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है. आपका सेकंड क्वेश्चन है गिव थ्री यूजेस ऑफ वाटर. तो आपको तीन यूजेस लिखने हैं वाटर के, तो टू ड्रिंक, टू बाथ एंड टू ब्रश. इसके अलावा आप दूसरा भी तीन कोई भी लिख सकते हो. पानी तो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है ना, जैसे कि टू वाटर द प्लांट, फिर है टू ड्रिंक वाटर एनिमल्स, फिर है टू बाथ एनिमल्स. ओके, तो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है. मैंने यहाँ पे लिखा है टू ड्रिंक, टू बाथ एंड टू ब्रश. आपका थर्ड क्वेश्चन है नेम एनी फाइव सोर्सेज ऑफ वाटर. तो सोर्सेज ऑफ वाटर बहुत सारे हैं, उसमें से आपको फाइव लिखने हैं. तो एक तो है रेन जो आपका मेन सोर्सेज है, फिर है रिवर, फिर है पॉन्ड, फिर है वेल, फिर है सी. ये पांच सोर्सेज है. इसके अलावा भी है स्ट्रीम है, फिर है लेक है, ओके, हैंडपम्प है, ये सारे भी वाटर ऑफ सोर्सेज है. फिर है नेक्स्ट है नेम द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. तो मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है, तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. मैंने बताया था आपको कि कौन सा आपका मेन सोर्स है वाटर का, तो रेन है. ओके, तो यहाँ पे जो आपका लेसन है सेवेंथ लेसन वाटर वो कंप्लीट होता है. आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एट लेसन देखेंगे अवर क्लोथिस. ओके, तो हम कौन कौन से क्लोथ कौन कौन सी सीजन में पहनते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.